Hello everyone. So today we are going to discuss about how do we measure national income. Well, basically national income क्या है कि final value of goods and services हमारी economy में कितनी बनी है और हमें कितनी income बाहर से आ रही है. Total हमारी nation में कितनी final value of goods and services produce हुई है, that accounts for national income. National income को हम कैसे calculate करते हैं? There are basically three methods. First one is value added. Second one is income method. Third one is expenditure method, which I mentioned here. ठीक है, और प्रैक्टिकली हम बात करें तो जो न्यूमेरिकली हम नेशनल इनकम को कैसे डिनोट करते हैं, थ्रू एनएनपीएफसी, दैट इज नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. ठीक है, हम इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं. टॉकिंग अबाउट द कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू एडेड मेथड, हमने पहले ही मुझे प्रीवियस वीडियो में मैंने इसके लिए डिस्कस किया था कि इसको हम न्यूमेरिकली कैसे कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, कि वैल्यू एडिशन एट ईच स्टेज हम काउंट करते हैं तो कितनी वैल्यू एडिशन होगी ताकि कोई डबल काउंटिंग ना हो. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इनकम मेथड. इन इनकम मेथड हम सिर्फ सारी की सारी फैक्टर इनकम्स लेते हैं. अब सबसे पहले फैक्टर इनकम्स का क्या मतलब होता है? देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ इनकम. एक होती है फैक्टर इनकम और एक होती है ट्रांसफर इनकम. फैक्टर इनकम वो होती है जो आप कुछ सर्विसेज रेंडर करके अर्न करते हो, और ट्रांसफर इनकम क्या होती है? जो आप विदाउट सर्विस रेंडर करके अर्न करते हो. ठीक है, जैसे कि अगर बात करें तो अगर किसी लेबर है, लेबर ने हमें सर्विसेज दी और उसको क्या मिलेगा? वेजेस. सो दैट इज फैक्टर इनकम. ठीक है, बट अगर हम स्कॉलरशिप की बात करें या डोनेशन की बात करें, ये विदाउट रेंडरिंग सर्विसेज होती है, दैट इज ट्रांसफर इनकम. वो हम नेशनल इनकम का पार्ट नहीं होते. ठीक है, सो बेसिकली देयर आर फोर टाइप्स ऑफ फैक्टर इनकम, टॉकिंग अबाउट रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट. सो देयर थ्री कॉम्पोनेंट्स फॉर कैलकुलेशन अंडर इनकम मेथड. फर्स्ट वन इज कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज. इम्प्लॉयज को इन रिटर्न में क्या मिलता है काम करके? वेजेस एंड सैलरीज मिलते हैं, इन कैश मिलते हैं और इन काइंड मिलते हैं. वेजेस का मतलब होता है जो लो स्केल पे वर्क कर रहे होते हैं, ठीक है, उनको डेली की जो दिहाड़ी बोलते हैं उसको वेजेस बोलते हैं. ठीक है, और जो हाई परमानेंट इम्प्लॉयज होते हैं उनको सैलरीज मिलती हैं. दे आर इन फॉर्म ऑफ कैश एंड दे आर इन फॉर्म ऑफ काइंड. कैश का मतलब हो गया कि जो उनको मनी के फॉर्म में मिलते हैं. काइंड मीन्स नॉन मॉनिटरी के टर्म्स में, है ना. जैसे हम बात करें कि उनको फ्री मेडिकल सर्विसेज मिली है या उनको फ्री उनका मेडिकल चेकअप हो रहा है, तो ये सब काइंड में हो जाते हैं जो उनको बेनिफिट्स मिल रहे हैं. देन सोशल कॉन्ट्रीब्यूशन के लेते हैं बाय एम्प्लॉयर्स. एम्प्लॉयर्स मीन्स जिन्होंने उन लेबर को एम्प्लॉय किया होता है वो उनके लिए कॉन्ट्रीब्यूशन करें कुछ LIC में या कुछ भी जो उनके बिहाफ पे करें, तो दैट इज टेकन इन टू अकाउंट. दिस इज फॉर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज. अगर हमें न्यूमेरिकल में कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज दिया होगा तो हम स्ट्रेट अवे यही वाली फिगर उठा लेंगे, तो हमें अंदर का पार्ट देखने की जरूरत नहीं है. बट अगर हमें ये वाला पार्ट नहीं दिया होगा तो हम अलग से इन तीनों को काउंट करके एडअप करके हमारे पास कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज आ जाएगा. सेकेंड कॉम्पोनेंट है ऑपरेटिंग सरप्लस. ठीक है, अभी हमने बात की चार फैक्टर इनकम होते हैं, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट. वेजेस का पार्ट तो हो गया, तो बाकी तीन क्या हुए? रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट. इन तीनों को मिला के बनता है ऑपरेटिंग सरप्लस. टॉकिंग अबाउट रेंट, रेंट एंड रॉयल्टी इकट्ठे वर्ड यूज होते हैं. रेंट इज बेसिकली दी हमें जो फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग जो हमारे ये एसेट्स होते हैं, हम बहुत बात करते हैं जो एसेट्स हम देख सकते हैं जिनको टच कर सकते हैं, जैसे कि बिल्डिंग है, लैंड है, आपने किसी को उसको रेंट पे दिया और आप उसको बिहेव पे रेंट ले रहे हो. बट रॉयल्टी का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कोई बुक मैंने लिखी है, सो आई एम द ऑथर ऑफ द बुक, मैंने अपने पब्लिशर्स को एक मेरा राइट देते हैं, क्योंकि वो बुक मेरी है, मेरा राइट है, मैंने उसको पेटेंट करवाया हुआ, तो मैं उस पेटेंट राइट को यूज करने का उसको राइट दे रही हूँ, तो उसके बिहाफ पे मुझे क्या मिलेगी? रॉयल्टी मिलेगी. सो रॉयल्टी इज बेसिकली इनटेंजिबल, जो हम देख नहीं सकते, जैसे पेटेंट, कॉपीराइट. ठीक है, इंटरेस्ट, आपने कुछ कैपिटल इन्वेस्ट किया उसके बिहाफ पे आपको क्या मिल रहा है? इंटरेस्ट. प्रॉफिट, ठीक है, अब जो आपको एंटरप्रेन्योर्स का रिवॉर्ड होता है वो क्या होता है? प्रॉफिट होता है, राइट. बट अब देखा जाए तो एंटरप्रेन्योर्स का जो मीन्स रिवॉर्ड है, मीन्स उन्होंने रिस्क लिया, उन्होंने बिजनेस सेटअप किया और उनको क्या मिल रहा है? प्रॉफिट मिल रहा है, तो उनकी वो फैक्टर इनकम होती है. ठीक है, अब इस पॉइंट में ध्यान रखना, अगर हमें क्वेश्चन में स्ट्रेट अवे प्रॉफिट दिया होगा तो हम वही ले लेंगे. बट अगर क्वेश्चन प्रॉफिट नहीं है और हमारे पास ये तीन चीजें फर्दर दी हुई हैं जिनको इकट्ठा समअप करके भी प्रॉफिट ही बनता है. सबसे पहले हम बिजनेस में हमने जो प्रॉफिट कमाया है उसके ऊपर टैक्स पे करते हैं, तो दैट इज कॉर्पोरेट टैक्स, और बिजनेस टैक्स बोलते हैं इसको, प्रॉफिट टैक्स बोलते हैं, प्रॉफिट टैक्स. और कुछ ओनर्स हैं जिन्होंने बिजनेस में पैसा लगाया होता है जिनको हम शेयर होल्डर्स बोलते हैं. ठीक है, हमने उनको भी कुछ बेनिफिट में देना होता है तो उनको क्या देते हैं? डिविडेंड. हम प्रॉफिट का वो पार्ट जो हम अपने ओनर्स या ये कह लें शेयर होल्डर्स जिन्होंने पैसा लगाया हुआ है हम उनको दे देते हैं, दैट इज डिविडेंड. अब कंपनी सारा का सारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट तो नहीं करती, वो कुछ प्रॉफिट अपने पास रखती है ताकि वो फ्यूचर में यूज कर सके, दैट इज रिटेन्ड अर्निंग्स. ये
दो अदर रिटेन्ड अर्निंग्स के ही अदर नेम्स हैं, सेविंग ऑफ प्राइवेट सेक्टर या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट. ठीक है, सो बेसिकली जो प्रॉफिट होता है वो तीन चीजों को मिला के बनता है. अब वही सेम बात, अगर प्रॉफिट दिया होगा तो हम स्टेटो में वो ले लेंगे, बट अगर न्यूमेरिकल्स में प्रॉफिट नहीं दिया होगा तो हम ये तीनों चीजों को एड अप करके प्रॉफिट को टेक इनटू काउंट करेंगे. थर्ड वन इज मिक्स्ड इनकम. अब कुछ लोग जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव माई ओन सेंटर, लाइक आई हैव माई ओन सेंटर, तो मेरी जो इनकम है वो किसमें आ जाएगी, सेल्फ एम्प्लॉयड, बिकॉज आई वोंट बी पेइंग एनी सैलरी बिकॉज टू माई सेल्फ, बट वो सब कुछ उसी में कॉस्ट में काउंट करके तो वो मिक्स्ड इनकम आ जाएगी. या हम बात करें डॉक्टर है, ठीक है, अब डॉक्टर क्लिनिक रन कर रहा है बट वो अपने ही ओन रेजिडेंस रन कर रहा है, तो वो दैट इज विल बी कम अंडर मिक्स्ड इनकम. और हम इसको इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड भी कहेंगे, वो भी फैक्टर इनकम होती है बिकॉज दे आर एंटरिंग सर्विसेज एंड अर्निंग इनकम. सो ये तीनों को एडअप करके आता है NDPFC. सो इनकम मेथड में हमारे पास क्या आता है, NDPFC, जिसको हम बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम भी बोलते हैं, बट हमें नेशनल इनकम के लिए क्या चाहिए, NNPFC. तो हम क्या करेंगे, डिफरेंस किसका है, डोमेस्टिक और नेशनल का. अब डी से एन में जाने के लिए हमें फैक्टर इनकम जो हमें बाहर से आ रही होगी वो हम ऐड करेंगे, दैट इज NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. मीन्स आपको ये फैक्टर इनकम आप बाहर से आ रही है माइनस जो आप फैक्टर इनकम बाहर दे रहे हो, मीन्स फ्रॉम जो बाहर से आ रही है माइनस टू, दैट इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, एड अप कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नेशनल इनकम अंडर इनकम मेथड.